हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। तो फ्रेंड्स, घड़ी में 8:30 बजे हैं और आज मैं किचन से फ्री हूं, तो मैंने सोचा इस टाइम को प्रोडक्टिव बना लेते हैं। तो मेरे रूम का एक ऐसा कॉर्नर जो बहुत टाइम से इग्नोर्ड है, आज मैं उसका नंबर लेने वाली हूँ। तो सफाई अभियान हम छेड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे रात को सफाई अभियान? तो एक छोटा सा कॉर्नर है, मेरा ड्रेसिंग एरिया है। बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, सिंपल सा एक एरिया है जिसे डेडिकेट किया है ड्रेसिंग के एसेसरीज के लिए। तो ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, आप देख पा रहे होंगे कितना बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो बस इसको सफाई करना स्टार्ट करती हूँ मैं, एक एक सामान निकालूंगी और जमाऊंगी। ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स और इसमें कुछ ज्वेलरी पड़ी है जिसे मुझे अरेंज करनी है। तो सबसे पहले तो मैं यही काम छेड़ूंगी, सारा काम एक साथ नहीं छेड़ूंगी, ताकि तो ये कुछ सामान है जो अभी रिसेंटली मैंने अपनी बच्ची को मराठी लुक में तैयार किया था, तब मेरे बॉक्स से बाहर आया था। कुछ सामान तो ऐसा भी है जो मैंने अभी अभी परचेज़ किया था, वो मैं आपको दिखा। ये झुमकियाँ मैंने रिसेंटली परचेज़ की थी मराठी लुक के लिए। ये कमरबंद है, इसे भी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था मराठी लुक के लिए ही। है नोज़ रिंग, नथ की तरह है ये। देन आई हैव अ टीका जिसमें काली डोरी लगती है। दिस इज़ अ रिंग, बड़ी ही प्यारी रिंग है और राजस्थानी अटायर पे तो बहुत ही सुंदर लगती है। देन मेरे पास में इस तरह की नोज़ रिंग भी है, नथ जिसे कहते हैं। रिसेंटली मैं एक इस तरह की भी नथ लेके आई हूँ, ये स्पेशली मराठी लुक के लिए मैंने परचेज़ की थी। एक नथ और है जो मैंने मराठी लुक के लिए परचेज़ की थी, पर वो मुझे अभी मिल नहीं रही है। ये है मेरे गले का सेट, चोखर पैटर्न में है ये और यहाँ पे मोतियों वाली लड़ है। इसके साथ में है ये इयररिंग्स, वैसे ये इसके साथ नहीं है, अलग से मैंने परचेज़ किए हैं, पर सेम मैचिंग के हैं और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई हैव दिस इयररिंग जो मेरे बहुत फेवरेट है, एंड दिस वन आल्सो, ये सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, एंड दिस वन इज़ आल्सो माय फेवरेट। यू डोंट बिलीव, ये मैंने केवल 50 रुपीज़ में परचेज किए थे। ये वाली ज्वेलरी भी मेरी बहुत फेवरेट है, आपको बिलीव नहीं होगा, ये मेरी मदर इन लॉ की ज्वेलरी है जो उन्होंने मुझे दी है। और ये आई थिंक 15 से 20 साल पुरानी ज्वेलरी है, ये स्टिल इसको पहनने पे बहुत ही रॉयल लुक आता है। और हाँ, एक सीक्रेट बताऊँ, ये जो चेन आप देख रहे हैं ना, ये इस पेंडेंट के साथ नहीं है, इस पेंडेंट के साथ एक मोतियों की चेन थी जिसे मैंने हटा दिया है। और ये वाला जो चेन आप देख रहे हैं, इसके साथ एक मंगलसूत्र की तरह का पेंडेंट था, तो उसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है, इसका पूरा लुक। ये सेट है जो भी मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली साड़ी वगैरह पे ये सेट बहुत प्यारा लगता है। रिंग्स भी हैं, दिस वन सेट भी बहुत प्रीशियस है। जो सेट आप देख रहे हैं ये कंप्लीट सेट है, गले का, कान का और ये रखड़ी है। और ये सेट है प्रतापगढ़ी सेट है, जिसमें आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये है कांच और कांच के ऊपर ये सोने से कलाकारी की हुई है। प्रतापगढ़ की ये जो आर्ट है, थेवा कला कहते हैं इसको, बहुत ही पॉपुलर है ये वाला आर्ट, जिस पे सोने की कलाकारी की जाती है कांच के ऊपर। पास से दिखाती हूँ आपको, तो आप शायद अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए, ये कांच होता है, कांच के ऊपर सोने की कलाकारी की जाती है। दिस इज कॉल्ड थेवा आर्ट, जो प्रतापगढ़ का बहुत फेमस है हमारे राजस्थान में, ये वहाँ का सेट है। ये इस पर बहुत ही प्यारी से राधा कृष्णा है, बहुत ही खूबसूरत है ये, और इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया था, इसे मैंने एक ही बार में देखते ही ले लिया था। वैसे मैं इसको बहुत ज़्यादा पहन नहीं पाई हूँ, बट मुझे बहुत पसंद है ये, दिस वन इज़ ऑल्सो माई फेवरेट।
ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हैवी ज्वेलरीज को पहनना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इस तरह की मैंने ईयर रिंग लेके आई है, इस तरह की लटकन लेके आई हूँ मैं, इसकी वजह से बहुत इजीली उनको पहना जा सकता है। ज्वेलरी मैंने इसमें अरेंज कर दी है प्लास्टिक पॉलिथीन में पैक करके अच्छे से। और हाँ, ज़रूर से शेयर कीजिएगा जो मेरा ज्वेलरी कलेक्शन है उसमें से आपकी फेवरेट ज्वेलरी कौन सी है। तो फाइनली हो चुका है मेरा वो एरिया, ड्रेसिंग एरिया डीक्लटर। होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जो मेरा ज्वेलरी है उस